बीएसटी और एसएचओ टीबी के संज्ञान में ऐसी सूचना आई थी कि टीबी थाना क्षेत्र का एचएस है जो अभी भी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व है। चूँकि ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो टीम है वो उस पर नज़र रख रही थी, आज सुबह जब इसी दौरान जब टीम मूवमेंट में थी और नाकाबंदी जंगली कर रही थी तो उस समय पीर का मड़िया के पास कच्चे रास्तों की तरफ से उग्रसेन जो एक हिस्ट्री शीटर है टीबी थाने का, वो उधर से आते हुए प्रतीत हुआ और जब उसने देखा कि सामने पुलिस है या पुलिस फोर्स जो है वो नाकाबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए वो गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। तो उसके भागने पर पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसको डिटेन किया और जो उसकी गाड़ी थी उसको चेक किया। जो सफ़ेद स्विफ्ट कार थी उससे एक अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ जिसमें 4 अवैध देसी कट्टे, 2 राइफल, करीब 231 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6 लाख के ऊपर कैश बरामद हुआ था। जब इससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो इसमें बताया कि इसकी 2005 से चुनावों के संबंध में लेकर कुछ गांव में आपसी रंजिश है दो गुटों के बीच में, उसी के संबंध में पहले इनके 2008 में कुछ मुकदमे भी हुए और जिसमें फिर से 2015 में कुछ मुकदमे हुए और ये जेल में था। उस दौरान कुछ लोगों से, आपराधिक तत्वों से इसकी मुलाकात गंगानगर जेल में हुई और वहाँ से जिन लोगों से इसकी मुलाकात संपर्क में हुई वहाँ से भी इसने कुछ लोगों से मदद प्राप्त कर ये हथियार इकट्ठे किए। इन हथियारों का और क्या सोर्स है, किस कार्रवाई में ये इनको इस्तेमाल करने जा रहा है या जा रहा था और कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, उसके संबंध में अभी हम इससे पूछताछ जारी है और आगे प्रयास रहेंगे कि जो भी जानकारी आएगी वो आपको। सर, गाड़ी के अंदर जिस तरह से 4 पिस्तौल और 2 बंदूकें मिली हैं तो क्या इसके ठिकाने से कुछ और भी बरामदगी की संभावना है? डेफिनेटली, अभी इससे जो फर्दर इसका जो फोन एनालिसिस है, बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि कुछ और चीज़ें इसमें मिली हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके पूर्व में भी करीब 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कई सारे आपराधिक लोगों के संपर्क में ये गंगानगर जेल के दौरान में आया भी, कुछ क्योंकि लंबा समय हो गया है इसने हथियार और जो कारतूस जमा किए हैं अलग अलग जगह से, कुछ के बारे में ये अभी तक बता पाया है, बाकी के संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा भी सामने प्रतीत हुआ कि ये कुछ लोगों से जेल में भी संपर्क में है, उसके संदर्भ में भी हमने संबंधित जो SPs हैं और जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे हम टच में हैं और प्रयास करेंगे कि फर्दर इसमें डिटेल कुछ प्राप्त हो। चूँकि जो ये घटनाक्रम इनका आपस में रंजिश का हुआ वो 2005 का है तो इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भी तभी से शुरू हुई और उसके बाद से इसी तरह से जो आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर गए और अब जैसे इसके पास से अफीम भी बरामद हुई है जो कि एक कोलायत से माना कहीं से बता रहा है, तो इस तरह के जो आपराधिक गतिविधियाँ थी वो इसकी बढ़ती गई। आगे किस रूप में इसको इस्तेमाल करने जा रहा था वो आगे अनुसंधान का विषय है। ये इसकी गाड़ी से प्राप्त हुई है, चूँकि कुछ कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इसमें कुछ इसमें से बिक्री भी किसी को की हो जिससे उसको ये उल्लेख नहीं कर सकते, वो अभी अनुसंधान का विषय है, उसके बारे में फर्दर उसमें एनालिसिस की जा रही है। ये उसमें कई स्तर हैं किस कारण से जमानत मिल जाती है उसका एक अलग विश्लेषण किया जाता है। हमारी तरफ से प्रयास रहेंगे कि अनुसंधान जो है पुख्ता रहे और कोई भी इस तरह की कमी उसमें खामी ना रहे जिससे मुलजिम को उसका फायदा। चूँकि ये प्रिवेंटिव एक कार्रवाई है, डेफिनेटली किस तरीके का अगर कोई इसका प्रयोग उसमें लेता तो उससे बचाव होगा। देखिए, इसका एक ग्रुप है उसमें वो भी हमारे स्कैनर पे है, उनकी भी एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ नाम जो आए हैं वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी आपके सामने क्योंकि अभी अनुसंधान अधीन है, एक बार वो जब डिटेल से बात पूरी आ जाएगी तब हम आपसे। क्योंकि प्राइमा फेसिस जो इसने बताया है वो ऐसा सामने आया कि खुद प्रक्योर किए हैं और ये एक वक्त में प्रक्योर नहीं किए गए हैं, ये या तो ये हो सकता है कि चुनाव के दौरान काफ़ी जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनकी छानबीन की जा रही है, उनके ठिकानों पर देखा जा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं इसको छुपाने जा रहा हूँ
या किसी घटनाक्रम में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसके संबंध में भी यहाँ पे आर्म्स एक्ट के प्रकरण है, सही परचेज नहीं है, लेकिन आर्म्स एक्ट के चार इसके खिलाफ प्रकरण है, 307 के भी इसमें प्रकरण है, SC ST LDPS थाने का हिस्ट्री शीट आया तो डेफिनेटली कुछ जो गंभीर अपराध है वो इसके ऊपर इस तरह से कोई बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है।